पूर्वार्ध अध्याय 64 मो प्यार पछीनी वात कहूं वर्णेश्वर जानो निर्गुणानंद भुज मंदिर मा ठाकुर जीनी सेवा करे अति आनंद ते समय मुक्त राज ते अब जी पिता पोते प्रमाण देवराज भाई ने साथे लई भुज पधार्या प्रीते सुजान मंदिर मा ठाकुर जी तना वड़ी संतना दर्शन करी सभा मंडप ना मेड़ा ऊपर जानो बिराजिया सर्वोपरि ते वखत ब्रह्मचारी जी वर्णी निर्गुणानंद निदान बापा श्री ने आव्या मळवा अंतर मा छे बहुताना जोया ज्या मुक्त राज ने त्या दीठा तेजो मय रूप दिव्य मनोहर जानो मूर्ति अति सुंदर छे स्वरूप देखी एवा दीन बंधु ने वर्णिए करी अति भाल कर्या दंडवत वली ने हथी जानी अलौकिक ते माल त्यारे बापा श्री उभा थया एक वस्त्र रूडु पहरेला एवा सता वर्णिंद्र ने पाथ भरी मल्या अलबेल मस्तक पर बेय हाथ धरी बोल्या वचन अमृत समान तमे सदाय अम भेड़ा तम भेड़ा अमे भाग्यवान ते दिवस थी वर्णी स्वामी निर्गुणानंद ने जानो अपार अनादि मुक्त राज माही वाद्यो छे घणो प्यार पछी वड़ी एक दिवसे जानो बापा श्री ने मळवा काज अति एकांत मा भेड़ा थवा इच्छे छे वर्णी राज ज्या मेड़ो हतो ब्रह्मचारी नो त्या बंगलो छे नजीक वड़ी ज्या ठाकुर जी तना रहे छे वस्त्र ते ठीक ते बंगले जानो बोलाववा जोग सारो ते त्या थाय ते सारो निर्गुण ब्रह्मचारी जी करे छे बहु उपाय पछी मुक्त राज ना भेड़ा जे आवेल हता देवराज भाई तेने कह्यू आवरणी ए लावो बापा श्री ने तमे आई मारे मळवू छे तेमने एकांत माते आवार दर्शन करवा छे दयाळुना वळी पूछवू छे करी प्यार माटे तमे श्री मुक्त राज ने तेड़ी लाव जो कहूँ जरूर मुक्त राज ने मळवा तणी अति आतुर तार हे ऊर पछी जानो देवराज भाईए करी मुक्त राज ने ते वात मळवा माटे तमने अति वर्णी इच्छे छे साक्षात ते सुनी मुक्त राज पोते
उठ्या तरत ते वार। ज्या ठाकोर जीनो छे बंगलो वस्त्र राखवानो निर्धार। पधारिया तिया प्रीत थी फाळ वखत हती ते हा। ते समे जाणो ब्रह्मचारीये आणी उर्मा अति स्नेह। मुक्त राजने बेसवावळी खुरसी करी छे तैयार। ते ऊपर आवी बिराज्या मुक्त राज जाणो सर्वाधार। त्यारे वणी विनती करी हाथ जोड़ी ने उभा हजूर। हे बापा आप जेवा छो आपो दर्शन तेवा जरूर। वड़ी आपनी सामर्थी ऐश्वर्य तेज ने प्रताप। कृपा करी सर्वे समझाव जो मने सेवक जानी बाप। तमारा प्रताप थकी सरे अनेक जनना काज। एवा वचन सुनी बोलिया मुक्त राज श्री महाराज। सर्वकर्ता सर्वनियंता सर्वे मुक्त नावळी श्याम। एवा सहजानंद महाप्रभु अक्षरातीत श्री घन श्याम। सर्वोपरि सर्वाधार जे स्वामी नारायण शुभ नामा। रसबस रहूं ए मूर्तिमा सदाय जानो पूरण काम। असंख्य अगणित जीव ने समास करवाने काज। आही मनुष्य रूप जेवो देखाऊं छू हूँ आज। एम कही ब्रह्मचारी ने मळवा थया ते तैयार। त्यारे वणी जी प्रेम कहे बापा बैसो घड़ी आवार। करी लाऊं विधि वळी एम कही ने वणी राय। पांच प्रदक्षिणा पोते फर्या फेरा मटाड़वाने सुखदाय। पांच दंडवत वळी कर्या त्या तरत उठ्या मुक्त राज। अति हे ते उपाड़ी लई मळ्या वणी ने कर्यू काज। बोल्या बहु वळी भाव थी आज थी थयूं पूरू काम। जे जोईए ते मळ्यू तमने महाराज मुक्तने धाम। सर्वे काम पूरू थयूं न रह्यूं अधूरू लगार। एम कही ब्रह्मचारी पर राजी थया ते अपार। त्यार थी आ ग्रंथ लेखक ने जानो बापा श्रीजी उपर। थयो छे प्रेम अति घणो गाढ जबर सुंदर। नीर स्नेही मीन छे वळी चंद्र स्नेही चकोर। तेवी ज आत्मा बुद्धि अति दृढ़ थई छे घणी जोर। त्रणे अवस्था मा अखंड वळी जीव मा साक्षात्कार। अनादि मुक्ते सहित देखाये ते प्राण आधार। जानो प्रगट पुरुषोत्तम नो थयो छे साक्षात्कार। तेणे करी तेह पामिया
सुख ते अपरंपार। वड़ी एक दिवसे कहूं ते मेड़ा उपर मुक्त राजा। पासे हता ब्रह्मचारी जी बीजा जानो मुनि महाराज। ते मुनि नु नाम रूडू छे स्वामी केशव प्रिय दास। पुराणी पण पूरा थया कर संस्कृत अभ्यास। वळी प्रगट पुरुषोत्तमनी आज्ञा पाळे छे अनूप। तेथी ते पूरा थया जाणो अनादि मुक्त स्वरूप। पुरुषोत्तमना अति भावने पामी थया ते तदरूप। अनादि मुक्त ना संग थी आवियों सुख अनूप। एवा ए पुराणी जे तेह मुक्त राजनी पास। बैठा छे अति हेत थी पूर्मा आणी हुल्लास। बीजा एक बे हरिजन बैठेला हता बापा पास। ते समय आ पुराणी ने कहे मुक्त राज अविनाश। जानो आ ब्रह्मचारी जे ते छे अमारु माना। ते जेम शास्त्र मा कह्यू नारद ने पोते भगवान। तेम आ ब्रह्मचारी ते जाने अमारी वात। अभिप्राय सिद्धांत रुचि जाने छे वड़ी साक्षात। आवरणी निर्गुणानंद तेमा नथी मान लगार। कोई मायानो गुण नथी एवा निर्गुणानंद ब्रह्मचार। निर्गुणानंद निर्गुण ज छे नथी नथी मायानो लेश। दिव्य गुण तो अनंत एमा रह्या छे जोते हमेश। एम बापा श्री स्वयं पोते श्री मुखे कहेल जरूर। तेना भेड़ा अमे सदा ए अम भेड़ा भरपूर। एम संत हरिजन सहु सांभळता कही रूढ़ी वात। ते सुनी पुराणी पोते थया जानो बहुरळियात। अहो आवा आवरणी छे जेना वखाण करे छे श्याम। मुक्त राज पोताना मुख थी बोल्या हेत मा अभिराम। वर्णी पण एवाज छे जेने वश छे भगवान। मुक्त राजनी सेवा माही जेने लागेले छे बहुतान। सेवा समागम करी अति खरु करी लीधू काम। प्रगट प्रभुजी ने प्रीते पामी ठरी बैठा आठाम। बापा श्रीनी सेवा करी अति श्रद्धा महात्मे सहित। तेथी बहु राजी थया थई गई पूरण जीत। ज्ञान वैराग्य त्याग तप शम दम क्षमा संतोष। एह आदि गुण घणा तेथी रह्या अति निर्दोष। निर्दोष थई सेवा करे
करे कथा वार्ता ज्ञान। सहु जन ने सुखिया करे धरे ते अखंड ध्यान। ज्ञान दान आपी घणु कर्या सुखी संत हरि जाना। वड़ी प्रगट मूर्ति महाराज नी देखाड़ी कर्या पावाना। मुक्त राज जानो महाराज मा कराव्यू हे त अपार। श्रीजी महाराज नी मूर्ति नो कराव्यो ते साक्षात्कार। महिमा महाराज मुक्त नो समझाव्यो सौने सार। आलोक माथी लुखा करी कर्या मूर्ति मात दाकार। महाराज ने सुखे सुखिया कर्या बहु जीव निर्धार। एवा छे निर्गुणानंद जी भगवान ना ब्रह्मचार। तेह ठाकुर जी नी सेवा करे श्रद्धा महात्म्य सहित। तेथी जानो प्रभु प्रगट मा थई निर्गुणानंद ने प्रीत। इति श्री सहजानंद स्वामी चरण कमल सेवक शिष्य निर्गुणानंद वर्णी रचिते अनादि मुक्त चरित्रामृते पूर्वार्धे बापा श्री भूज पधार्या त्या ब्रह्मचारी निर्गुणानंद जी ने प्रगट स्वरूपनो महिमा कह्यो ने दिव्य स्वरूपे दर्शन दीधू। ए नामे 64मो अध्याय।